अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आजकल एक ड्रग है जो सबको लगती चली जा रही है, सब उसके एडिक्ट होते जा रहे हैं, खास तौर पे यंगस्टर्स। और उसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का, और वो ड्रग क्या है, उसका नाम है हैप्पीनेस। आप इंटरनेट पे चले जाएं, हर जगह आपको हैप्पीनेस का वर्ड मिलेगा। जितने आपको खिताब करने वाले लोग मिलेंगे वो आपसे इसी बारे में खिताब करेंगे कि आपको खुशियां दे देंगे। जितनी सेल्फ हेल्प बुक्स मिलेंगी हैप्पीनेस के हवाले से मिलेंगी, खुशी के हवाले से मिलेंगी, और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। ये एक नशा है, ये एक ड्रग है, ये हेलुसिनेशन है। ऐसा कभी नहीं होता। जिंदगी में असल चीज खुशी नहीं है, खुशी तो हमेशा माजी होता है, खुशी कभी भी हाल नहीं होता, मुस्तकबिल नहीं होता। अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो वो तो माजी हो गया, अगर आप किसी चीज पर खुश हो गए तो वो भी माजी हो गया। असल में जो चीज है जिसकी आपने तलाश करनी है जिंदगी में, वो दिल का इत्मीनान है, वो रूह का इत्मीनान है, वो सुकून है। इस ड्रग से बचें, ये अभी आई है, इससे पहले लोग इत्मीनान ही ढूंढा करते थे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको नशई हजरात के डेरे पे ले जाते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। नशई अंकल, I have missed you so much. मुबारक हो, की हाल है? तेरे ब्याह ते मैं गया, तेरे बदले दा मैं हार तोड़िया, तेनू पता नहीं लगा। भाई मुबारक हो, नवा जहाज ले आ जे। इहदा नाम हैगा डिपार्चर। नालक जी है, लैंड हो गया। सुनो, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तुम्हें साल में देख के इतना दुख होता है। ऐही गल तू कहते, मैनू पहले टीके ते कह देंदी ना। जड़ा काफर सी जड़ा पींदा, हुण की ते साडी जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। अच्छा, तुम्हें अगर एहसास है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हां जी, तो खुदा रा अपना इलाज करवा लो यार। इलाज का है, टीके ला रहे हुण होई होली होली। साडे जी बुआई साडे 3,000 टूर गए, यकीन करो। आप 3 की बात करते हैं, 1,000 लोग लवारिस लाशें यूं सड़कों पे पड़ी मिलते हैं नशई हजरात की सालाना। ओए आओ भाई, हुण की करिए, साडे ते घर दे वारिस नहीं बनदे ते बाहर दे किन्ने बनना है। लेकिन एक बात बताऊं हारून साहब, मुझे इन नशई लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है। अच्छा, कदो तेरे घर जाके बुआ गड़गाने साडी मदद कर। अच्छा नहीं, देखें, आप जो इर्जा बात कर रही हैं, ये हमदर्दी के मुस्तहिक इसलिए हैं क्योंकि जो केमिकल इनके अंदर जा रहा है, जो स्टिमुलेंट्स इनके अंदर जा रहे हैं, वंस ये उसके एडिक्ट हो जाते हैं फिर ये चाह के भी नहीं छोड़ पाते। नशा अपने खून का ही होता है बाबा जी। क्या? ओए आओ, दे विच खून होएगा ते नशा होएगा। ए नशा उन्नी देर बांदरी जणा जिन देर ए पीण वाले नु ना फड़ो, ओए बेचण वाले नु फड़ो ना, वर्दी खाया सानू। आप सही कह रहे हैं, ये बंदा सही कह रहा है। सबसे पहला काम के गवर्नमेंट को रीहैब्स बनाने चाहिए, ऐसी है जी। तो रीहैब से तो ये लोग भाग जाते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे रीहैब्स बनाए ना कि ये ना भागे वहां से। सही बात। कि नहीं नहीं पैसे लेंदे अगले, नहीं प्राइवेट तो, है ना, प्राइवेट है ना, फ्री में तो कोई नहीं है। और नहीं ये कहेगा फ्री वो चपेड़ा मार दे, मैं ता नहीं जांदा उधर। तुम जब इस तरह बाज मोड़ के बात करते हो, तुम्हारी किसी बात की सी नहीं है। तुम देओ नर्सली वाले बोल थले नहीं होते भाई, कुड़ियां भी पीदियां यकीन करो, इथे किनियां सड़दियां भैणा, असि उन्हां ने नशा चढ़ाया, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਖ 'ਚ। अच्छा नहीं, कोई कोई रीजन नहीं है नशा करने का। तू तो मानता ही नहीं, तू ARY को पता नहीं केड़े पैसे फड़े है। सिर ते तो टोपी इंज पाई है जिवें हिटलर दी फौज हुंना। अच्छा, इसकी एक बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि वाकई कई लोग इतने कमज़ोर होते हैं ज़हनी तौर पे कि वो नशे की तरफ चले जाते हैं, तो कई लोगों के लिए ब्रेकअप जो है वो नशे की तरफ जाने का बाइस बनता है। कई अपने घर से तंग होते हैं, किसी एक बात से तंग आके नशा शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, तो उनकी थेरेपी ज़रूर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस बता रहा है ये। मोहब्बत जी नाकामी होती ना, फिर भी नशे लगता है। 3 बीवियाँ बेचारे ने कीतियाँ ने, एक भी गोल नहीं रही, नशा ना करे तो की करे। अच्छा, वो क्यों नहीं रही वैसे? नशा करता ही। ये बताओ कि तुम में जान तो है नहीं, अपना वजन तुमसे संभाला नहीं जा रहा, ये तुम ढक्कन कैसे उठा लेते हो गटरों के? तेरे में उन्हें जवानी वाली फोटो भाई ना, तू कहना ओ हो। ध्यान ना बुद्ध टीका लाना ही, अगे 3-4 जगह से नशा कीता है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓਏ ਆਓ ਜੀ ਵਨ ਟੰਗ ਬਸ ਯਾਰ ਮੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਓਹੋ ਕਿਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਉੱਚਾ ਕਰਾਓ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੌਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਗੰਦਗੀ ਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰੋਂ ਸੇ ਵੀ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਯੇ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਜਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਬਲੋ ਨਰੋਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓ ਯਾਰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਰੋਜ਼ੇ ਕਦੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਦਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਠ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅੱਠ ਟੀਕੇ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾ ਲਈ ਭਾਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਮ ਲੋਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੈਸੇ ਕਰਤੇ ਹੋ ਸਿਰਿੰਜਸ ਕੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਦਾ ਕਰਨੋ ਟੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦੇਈਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਨਏ ਲੋਕ HIV ਕੇ ਸਾਥ ਆਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ 40,000 ਔਰ ਇਨਮੇ ਸੇ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਗਾ ਲੋ ਹੀ ਫਿਰ ਐਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੱਢੋ ਪੈਸੇ ਕੋ ਮਾਲ ਮੰਗਾਈਏ ਸਾਹ ਜੀ ਮੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸੀ ਆ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੜਾ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ੋਪਰ ਚੜਾ ਲਿਆ ਅਸਾਂ ਕਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸ਼ਈ ਅਸੇ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਹਾਥੀ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਐ ਬੇਗਮ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਜਰਾ ਇਸ ਸਸਰਾਲ ਮੇਰੇ ਗਲੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਕੋ ਛੋੜਨੇ ਆਏ ਥੇ ਨਾ ਇਧਰ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਕਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੋ ਆਪ ਇਹਨੇ ਛੋੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕਤੇ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਸਰਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਸ਼ੇਰ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10 ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਰੁਕਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਕੋ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ ਦੇਵੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਛੱਡੋ ਐਵੇਂ ਬਕ ਬਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨੂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਬਗੈਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਣ ਬਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਰੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੁਛ ਕਰੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਤਰੋੜ ਭੰਨ ਕਰੋ ਨਾ ਉੱਠੋ ਓਏ 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 ਅੱਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਆ ਤਾ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਵਾਟ ਅ ਸਪੀਡ ਇਹ ਯਾ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਆ 14 ਦੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ ਓਏ ਪਤਾ ਲੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀਰੋ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਬਾਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਲ ਯਾਰ ਉਸਕੀ ਨਈ ਨਿਕੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਮਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ ਆਪ ਵੀ ਕੋਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕੋਨੀ
अब उसको क्या मुंह दिखाओगे जब वो आएगा? यही धोना और फेशियल कर लिए। वैसे तुम लोग बहुत स्लो हो, चोरी करते वक्त इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? तेरे सोचे ही नहीं असि यार। जी तो कोई चोरी करने वाली चीज सामने आंदी ना, सानू अंदरों कोई मोटिवेट करता है। बेवकूफ दे पुत्रो, मोटरसाइकिल दे विच तेल हैगा वा, ओ बेच ही रहन देना जे। ये गलती, माई अपोलोजाइज। छेती कर बेटे छेती। चल यार विच सुट के ना तू सुरकड़ा मार, तेरा स्टैमिना सही है। पता नहीं कदों पै दे जे फेफड़े काम करदे ने, एक साह च 24 लीटर तेल कढ लैंदा जे। मोटरसाइकिल मेरी। देखो दोबारा मेनू जापान दे के बनवाउनी पैणी। इन्हां नूं मैं गंदियां गालां कड्डांगा जिहड़े लोक लांदे ने। चलो छड्डो, एवें किसे दे मूंह ते नहीं कुछ कहीदा हुंदा। 5000 ਭਾਜੀ ਕਮਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1200 ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓਗੇ ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ? 1200 ਭਾਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ 1200 ਦੇ? ਦੇ ਲਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਥਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਹਾਂ ਰੁਪਈਆ 1000 ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ 1200 ਭਾਈ, 5 ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਣੀ ਭਾਈ। ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਯਾਰ 200 ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪੇ 1000 ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਯਾਰ ਇਹ ਆਦਮੀ। ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ। ਯਾਰ ਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ 1.5 ਲੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ 1100 ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਓਏ ਰਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਆ ਸਾਜੀ ਪਈ ਆਈ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਫਾਗਨ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ 32-wheeler ਮੰਗਾਇਆ, ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸਲ ਜੇ ਨਾ ਟਰਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੀਟ 2 ਟਾਪੇ, ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ, 2 ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੁਕਿੰਗ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਰਨਿੰਗ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੱਕ। ਬੋਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ, 100 ਲੈ ਲੈਣਾ ਭਾਈ। ਬਾਰ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਅੱਛਾ ਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 500 ਲਵੋ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਵੀਲ 'ਚ, ਅਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਇਸਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਡੋਨਟ ਵਰੀ, अब कुछ नहीं उतरेगा, पहले तेरे कहने से। नहीं, पहले आपने उन्हें कहा नहीं था ना, अमानतदार नहीं बनाया था। हाँ हाँ, तो पहले मेरा ख्याल तुसी ते सारे ते अन्ने हो हैं।
ਦੇਖੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੀ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਿਣੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਮ ਲੋਕ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ ਹੋ ये आपने देखा इसने छुपाया है ना कुछ पैसे हारून साहब साई मेनू 400 घट लग रहे है यार ओनू गणा यार मुंजी भी रहा एक दौर गिनो पैसे घट दे गया बाबा जी घट दे गया ओ बंदा ही ऐसा था जी इंज दे ही अब देखो ना घट दे मेनू हाय तेनू की पता है ना हाय यार तू तो आज आया वो सीनियर है गा उनको दिखाओ गेंद पुत्र घट लग दे मेनू नहीं घट नहीं साजी पूरे ही है यार तू गिणी ना मेनू घट ही लगते बहुत ही लो जी 200 रुपया दे के गया जी तौबा तुहानू पता लग गया होना मेरी सहुरे दे घर किन्नी इज्जत है साला खाली हाथ चुकया मैं पान दसो मेनू जरा दसो समान किन्ने चोरी किया ओ मैं लत्ता बांधिया ओदिया ओ कसी किसे दे भरवैये नाल नहीं जाती आउन दित्ती ते साडे भरवैये नाल कोई जाती कर जे मेरा साला किसे दे नाल नहीं होण दित्ती पान दसो होया की इत्थे मैं छड्डना नहीं किसे नू भाई वैसे ए गल्लां पुलिस वाले ने करनियां सी पुत्र मेरे को लुआ दे एक ते वजन दूसरा तेरा बैनोई भुखा है ਪਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜੇਗਾ ਨਾ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਪਨੇ ਉਸੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਸਤੌਲ ਲੈ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਸਤੌਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ ਨਾ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਓਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਓਏ ਲਿਆਓ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗਿਣੇ ਸੀ ਦਿਓ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਆ ਥਾ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਆਓ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਆਏ ਸੀ ਆਹ ਦਰਅਸਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਓ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਦਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਚ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਤੋਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹੋ ਓਏ 10,000 ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਆਦਰਾ ਓਏ ਓਏ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾ ਪੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡੇ ਜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਕਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਨੀ ਕੇ ਸਦਕੇ ਯੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇਨਕੋ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਡਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਚਾਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਜੀ ਜੀ
वो ये है कि एक चीज आपने एक लफ्ज सुना होगा माइंडसेट। माइंडसेट बिल्कुल बिल्कुल। तो माइंडसेट जो होता है ना, इसका मतलब ये है कि आपने अपना माइंडसेट कर लिया है एक खास। साडे कोला बच के केड़ा गया वा? क्या कौन है? नहीं तू की समझदा सी कि अमेरिका तो आ जाएगा ऑर्डर दे के, तेरा कोई पीछा ना करूंगा। कौन है आप? सर मेरा अमेरिका च अपना रेस्टोरेंट है। तो आप ऑडियंस में आए हैं? नहीं ऑडियंस नहीं जी, आप बंदा नहीं सेंटर वाला। सलीम साहब। सलीम साहब जी जी। ये जनाब उन्हें ऑर्डर दे के ते आप एग्जिट कर गए। सर मैं रेस्टोरेंट में गया था, मेरा भूख लगी थी, मैंने कहा चलो फास्ट फूड। भूख लगी थी, भूख लगी तो रेस्टोरेंट जाता बंदा। और तेरा रेस्टोरेंट लगता ही नहीं मरे, तू तो लगता बसा ही कच्ची करी बेचता। अब तो ये बर्गर बासी हो चुका है। ओ बासी किदा होया वा, जड़ी राह च बर्फ लगी हजारां रुपयां दी। ओ अमरीका तो लाश लै गए। $200 के बर्गर के पीछे $2,000 की फ्लाइट लेके आए हो? एक सेकंड, $200 का बर्गर और $2,000 की फ्लाइट? मेरा ख्याल है मोहतरमा ने भी कभी नहीं खादा होता। पॉइंट समझ रहे हैं ना कि इतने सस्ते बर्गर के लिए तुम इतनी महंगी फ्लाइट लेके आए हो? गल कमिटमेंट दी हुंदी आ बाजी। हां जी ये गल्ला छड्ड। ओ सलीम, ओ तू एदे आधा बर्गर खाएगा। मेरी बात सुनो। ओ नहीं सर, बात की सुननी है? पी ऑर्डर दे के मुंह चुक के आ गया अमेरिका च। अच्छा जी मेनू ये दसो, अमेरिका जिदा कोई बोलदा आ मुंह चुक के आ गया? क्यों नहीं बोलते भाई, हमारा कल्चर है, हम जहां भी जाएंगे हम ऐसे ही बोलेंगे। वैसे देखो उन्हां दी मेहनत है केड़ी, तू दे उन्हें पैसे दे बर्गर ले। वो तो है जी, मैं बड़े भरा दी मेहंदी लेके आया। आहो आहो नहीं आहो, वो तो खुला बर्गर उठा के ले आया, कम से कम पैक करके तो ले आते ना। वो पैक ही सी, उन में राज किनिया के पैक यहां बदलदा। आप कहते हैं अपना कल्चर बात करे, तू इस तरह से गल करे तो चुक के पानी जी छोड़ दे अगले। ए गल करनी तो जी। ओए बंद करो बंद करो माइक दा सवाल ही। छली खाने वाले भी बर्गर की गल करने। रूम साहब मेरा अपना तरीका जी रेस्टोरेंट चलाने का। वो क्या? कोई बंदा भी बर्गर का आर्डर दवे ना जी जी। मैं ते बर्गर बुरे दे घर तक पहुंचाना। लेकिन ये बहुत बुरा तरीका है। आ गया ना तेरे घर तक जावे जावे। इहदे ते वो शेर लिखा है, बुरा बुरा मैं लभदा फिरा, मेरे तो बुरा ना कोई। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਰਗਰ ਚੱਲ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਆ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕੌਣ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਚਪੇੜਾ ਚਪੂੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। तुम एक काम करो, तुम अपने रेस्टोरेंट में इसको बैन कर दो हमेशा के। हाँ, मैं आई था नहीं। पहला जड़े मेरे बर्गर ते पैसे लगे आ ओ दा दवे। हाँ अच्छा 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 अच्छा, बिल भी लेके जाओगे तुम? हाँ जी। सर वो बिल तुसी ले लो। बर्गर किन्ने दा बर्गर ताड़ा? $3.5 दा। लवो तुसी $4 दे। $5 ले लवा। वो किदा जड़ा पहुंच तक मेरा खर्चा होया, वो किथे जाना? कितना बिल है? ₹60,00,000 खर्च होया मेरा इत्थे तक। बर्गर नहीं तेरे अब्बे दी लाश लै। ऐसा करो बच्चों को फोन कर दो, सलीम मैंने बर्गर का ऑर्डर किया है, घर दियां रजिस्ट्रियां लै आओ। नहीं सर ये बर्गर दे विच की रखे आ, कोई न्याणे रखे है तू? ओ यार जड़ा राह च खर्चा आया वा, दुबई उतरे आ तू? नहीं अबू धाबी उतरे आ। अबू धाबी उतरे आ ना? अबू धाबी तू शॉपिंग मॉल च गया, उथों जूस नहीं पीता? पीता है। पीता तेरे बनदा सी तू पी के ते डब्बा ओदे मुंह ते मारिया ओदे। नहीं जूस पींदा फिरदा, तेरे प्यो ने खाना सी। सलीम साहब के पास ना दो दुकानें हैं बिल्कुल स्टेशन के सामने, अगर वो तुम्हारे नाम कर दें तो चल जाएगा काम? $3.50 दा वा, ओए दिनों सस्तियां वा। अच्छा होटल च लड़ाई होवे ना जी, ते जिन्नियां भी चीजां ने इहो जे बंदे नूं बज रही। अच्छा ₹60,00,000 खर्चा कैसे आया है? बिजनेस क्लास च आया सर मैं। ते मैं ओदे च आया नहीं, तू क्यों आया? तू बिजनेस क्लास दे विच उत्थों आया, तू बर्गर देण का आया ते नाल उत्थों बाईपास करा के आया। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਕਲੱਬ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹੋ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਬਰਗਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। अच्छा मेरा ख्याल है तू किन्ने दिनों का तुरे बास्कट तेन टैट हो गई है।
बंदे लगते हो 60 लाख मेरा रिकवर कराओ मेनू होर भी आर्डर बड़े मैं भी भुगताने जा बर्गर थले ला ला इंज लगता भनेवा खड़ा यार बर्गर नीचे उतारो हम भी शक्ल देख ले बर्गर इधर ही रहने दे एटलीस्ट कुछ तो देख पा रहे हैं ना वो बर्गर में उन्हें मोटे तेंज रखे जे पान जे मेला दिखाऊं दे जितने इसके रेस्टोरेंट के सख्त असूल हैं इस तरह तुम बिजनेस कैसे चला रहे हो सारी शॉपिंग की थी तो राज अपनी ईमानदारी ना दस की थी या तो क्यों तेरे पल्लियों की थी हैं परफ्यूम ले ले या पैसे ले से उन्होंने हां वो तो कोल्ड ड्रिंक भी पीती हैं तू पीतियां हां तेनू हल्का या झोला आया सी नहीं वो नहीं सी आया जहाज बैठा बैठा उन्होंने एयर होस्टल ने तेन खाना सर्व किया तू खादा सी खादा या तेरे प्यो ने खाना सी देखो सलीम साहब की नानी के सदके ये माफ कर दो इनको नानी दे सदके और जड़ी बाहर मंजी डा के पहले नौकर होंगी होना यह बंद सिर्फ अगे चाक ला के देना सर ना 13.5 ना $3.5 वे हाँ $10 से गल सही रुपये रेट लाया तुसी हाँ जी ईमानदारी ना हाँ जी लियाओ सर इतने रख के केड़ा बर्गर लियांदा मैनू ये दस दियो सिर्फ यार इस टाइम ते हुण इहने रख्या ये जाच इतने रख के बैठा तुसी भी उसे फ्लाइट च सो क्यों इन्हां ने देखा मैनू फिर इतने रख दिया बर्गर लैके तो फ्लाइट च चढ़न ही नहीं देंदे मैं इन्ना सफर किया वा मैं पाकिस्तान 10-10 बर्गर लाया हूँ भाई भाई तू उन्होंने चोरी चौके लिया तू आप दस खाने वाली चीज लेके आए अपनी किनिया बोतल सुटिया सी उत्थे पानी शानी नहीं जान देंदे कोल्ड ड्रिंक सर बर्गर मैं खुद लेके आया हूँ ये बर्गर है कौन सा एला पीनो ते पीनो नु दे ना जाके एला पीनो और ड्यूटी फ्री तो शॉपिंग कीती सी कीती उन्होंने पैसे दिते सी दिते ते मेरे पैसे तेरे प्यो ने देने सी सलीम साहब इहदे को ले लवो नहीं तेने कहण लग पैना जे तेरा विआह होया उहना तेनू रिश्ता दिता दिता मेरे को तेरे प्यो ने लेना आ यार है ते कह अजे ते 60 लाख लैन आया वा ते कैच मैं भुल गया अमेरिका अच्छा अजे उहदा खर्चा भी पैना मैं दोबारा लियाउणी जाके तू जा लै गया तू कैचअप जिहड़े ने अमेजोन दे थ्रू मंगा ओ नाले तू 60 लाख मंगण डिया तू बर्गर दा इलाज कराउंदा है ये बंदा मुझे दिमागी तौर पर सेहतमंद नहीं लग रहा नहीं, नहीं, बात। मुझे, मुझे रिटार्ड लग रहा है बस एक मेरी जेदा जड़ा बर्गर दा आर्डर दवे ओ खावे के देना दा प्यो भी खावे अच्छा सर मैं आर्डर कैंसल नहीं सी करना जो मैं बर्गर मैं क्या बर्गर बनया नहीं तो इन्हें आ गया 2 मिनट बन जाता मैं उदो दौड़िया अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके रेस्टोरेंट का नाम क्या है ताकि मैं इसे सोशल मीडिया पे थोड़ा सा जलील तो करूं क्या रेस्टोरेंट का नाम मुझे तो भूल गया है नवाब बर्गर जी नवाब कौन है मैं ही आप कौन सी नवाब फैमिली से ओनी नवाब जेड़ा बंदा कहंदा ओ जा तू एड़ा नवाब असी ना काली कठ ते राज कीता होया वा हां उदों दे काले कठ होए अच्छा काली कट पे राज था आपका सारे साडे महल्लात सी साडी जायदाद जमीना सी ओ असी फिर एक टाइम आया वो सारियां वेच के जी जी फिर असी टिकटां ले लिया जहाज की हां जी नहीं नहीं सिनेमे दिया और कौन सी जमीन और महल्लात है कि बेच के सिर्फ तुम्हारे टिकट आए सर टब्बर बहुत सी ना साडा बहुत बड़ा कबीला जी ये बैरी जहाज गए सन हाँ फिर हो सकता है कि यार पूरा बैरी जहाज करा के फिर बाल्टी मोर उतरे ने जाके जी जी उतो बाल्टी च पानी पाके भेज दे रहे और फिर ये नवाब बर्गर बनाने के पैसे वहां से इकट्ठे हुए बाल्टी से 8 ताए गां उन्हां दी लादा ते फिर सारे जमीन जमून वेच के फिर चले गए उधर टोटल किन्ने के सी तुहाडे जी बंदे 13 बंदे सी भाई 13 बंदे की टिकटें आई यार हां सारे एक सच्चा वाक्य है क्या बाल्टी मोर 2 बंदे इतों गए ने अपना डंकी लवा के तो रात को कपड़े गिले उन्होंने उन्होंने कहते छाला मार के ना बाहर निकले ने तो अगे एक बाबा ना बर्गर पीज़ा बना रहा है तो उन्होंने देखा ठंड लग रही उन्होंने वो कहें आयो की होया कहते को रहने की जगह नहीं बाबा कहता चलो इतें ही वो 2-3 दिन बाबे ने रखे कहता साढ़े को काम है नहीं गा वो कहता चलो मेरे ना काम करना शुरू कर दो इतने उन्होंने बर्गर वो उन्होंने चेन चल रही उत्थे अरे वाह बड़ा उन्हें एक दिन बाबा कहता यार मैं हूँ इतों चला मैं वापस चले जाना इटली वो तुम ले लो बहुत अच्छी है बहुत इंस्पायरिंग है मगर वो डंकी वाली बात अच्छी नहीं है अमेरिका की सारी आबादी तकरीबन इसी तरह इलीगल तरीके इसी तरह बात ये देखिए वहाँ कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि अगर आप मेहनत करने वाले हैं
मेहनत, तो आपकी मेहनत की कदर है। अब वहां सलीम साहब आपने भी कोई 10 दिन बर्गर तो नहीं लगाया कि यार नहीं नहीं हमें बकवास ही। सलीम साहब उतने मशहूर हो गए सन क्या कमर चूहे फड़न वाला। असल जो थे आर्डर सिर्फ वेस्ट तो नहीं मिले, स्टेथोस्कोप भूल गया सर। अच्छा सलीम साहब आपने वो जो खाना मंगवाया था वो आ गया, तो हम यहाँ पे भी एक ब्रेक पे जाते हैं तो फिर आपका वो खाना खाते हैं जो आपने मंगवाया हुआ है। हाँ जी वो इंशाल्लाह। चले जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। और सर ब्रेक ते की लैन चले हो? और रोटी खान चले हैं। और ते आप बर्गर तेरे प्यो ने खाना? ओए मेरे प्यो ने ही खाना, मैं नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो सर? बर्गर हो गया ठंडा जी जी, हुण मैं अमेरिका चला वा, इनू मैं माइक्रोवेव च दो चक्कर लवा के लिया। नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा मैं अभी तक ना सलीम साहब को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, मुझे अब आदत हो गई थी इनके बगैर। अच्छा इरजा मैंने कल बैग खोलने हैं, घर जाते ही आपने मुझे व्हाट्सएप पे बता देना मेरे लिए क्या क्या लाए, मैं अपना मुंह बंद कर। क्या क्या? वेलकम बैक नाज़रीन। जी इरजा, हारून साहब एक मिनट भी जाया किए बगैर मैं ऑडियंस के पास जाना चाहती। अच्छा इरजा, ऑडियंस के पास जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। चलो। सलीम साहब मैंने बहुत मिस किया आपको। मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करना चाहती इस शख्स को, एक परफ्यूम कोई चॉकलेट्स कुछ लेकर आए ये मैं भी नहीं करना चाहती। असल जी मैं काम करन थोड़ा जा, मैं तो उथे जेल च सी। मैंने एक आधी आपकी जेलर देखी थी आपके साथ। हमें पहले ही पता था कि इसको जाती जेल हो जाएगी। और वो प्यार की हथकड़ी लगा रही थी। बिल्कुल। ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुल्क से बाहर जाएं, वो भी काम करने और कुछ लेकर ना आए। तो ये भी कोई तरीका नहीं कि आप इंटरनेशनल टीवी पे कह रही है तो सैड दे हो गए, मैं ना गलत कर रहा हूं। तो अब ये नाराजगी तभी खत्म होगी जब आप हमें गिफ्ट्स देंगे। बिल्कुल। हम ऑडियंस के पास चलते। जी जी चले। कितना पास जाना है हमने ऑडियंस के? माइक पास जाएगा टेक्निकली तो। अच्छा फिर ठीक है जी। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर अशरफ अली ननकाना से। वाह वाह, दिली ख्वाहिश थी आपसे फेस टू फेस बात करने की। बहुत शुक्रिया जी। पूरे पाकिस्तान में आपका शो जोरों शोरों से चल रहा है। थैंक यू जी। और अल्लाह और इज्जत में इजाफा करे। बड़ी मेहरबानी, आमीन जी, अल्लाह का फजल करे जी। नेक्स्ट जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शहरयार है। सर आपके शो में सबसे खास बात ये है कि जो आप स्टार्ट में एक मैसेज देते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज होता है, वो मैसेज लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको पोइट्री सुनाना चाहूँगा, ये पोइट्री मैं मलाइका के लिए स्पेशली। आँखों से सवाल पूछना किसने सिखाया तुमको, मुस्कुरा कर मार देना किसने सिखाया तुमको, दिल तो करता है तुमको सामने बिठा के रखूं, उसने इतना प्यारा क्यों बनाया तुमको। अच्छा भाई जान, इस तुहाडे शेर तो बाद ना मैं सोचा कि तुसी इन्हां दा मैसेज गौर नाल सुनदे ने। अच्छा हो गया ना, मलाइका उन्होंने आपकी इतनी तारीफ की है, अब आप शुक्रिया कहेंगी या क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच। इसलिए तेरे को गोगा भाया भी तेरी नजर ना लगी। अच्छा मेनू भावे लग जाए। तेनू नजर नहीं लगनी, तेनू जंग लगना है। मजीद। अच्छा मेरी तारीफ पे सबको सांप सूंघ गया था। ठीक नहीं, हमने तो देखा हुआ ना ओरिजिनल में। नहीं आप देखें, आपके अंदर कोई एक टैलेंट नहीं है माशाल्लाह। नहीं नहीं आएगा अभी जेन में। शायरी बहुत अच्छी सुनाई। अच्छा इस तरह से मेरे भरा मल्ले जी कोई रिकॉर्ड होता क्या भी एक मिनट से 100 गाना छेल लेता है। ये क्या रिकॉर्ड है यार जी। नेक्स्ट जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मोहम्मद रिजवान हुसैन फ्रॉम सियालकोट। अच्छा माशाल्लाह जी, अल्लामा इकबाल साहब, फैज अहमद फैज साहब, वाह। तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ भी ये ARY का नेशनल TV जहाँ पे देखा जाता है सबको खुशियाँ बांट रहे हैं। थैंक यू सर। तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सलामत रखे, खुश रखे और इसी तरह से आप लोगों में खुशियाँ बांटते रहें। जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही है महंगाई इतनी है और बेरोजगारी का भी दौर दौरा है, हर तरह से हालात माड़े हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह से लोगों को खुशियाँ बांटते। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर साडा जिहड़ा सियालकोट शहर है ना, पूरी दुनिया च मन्निया तन्निया
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਰਿਚ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੇਂ ਨਾ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਤਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸਿਰਫ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਵਾਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੰਨਿਆ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ 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 ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਮੈਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਸੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ ਕਰੇ ਜੀ ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਾਊਡ ਬਾਈ ਗੋਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸ ਫੀਲਡ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਤੋ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਗਲੋਕ ਥਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਆ ਬਨਣਾ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਗਰ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈ ਤੋ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਮਨੇ ਤੋ ਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਨਦ ਵਿਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਫੈਨ ਹੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਉਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਸ਼ਕਲੋਂ ਪਰ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਇਸ ਫੀਲਡ ਮੇਂ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਆਪ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਹੋਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਤੇ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਅਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ ਜੀ ਬਤਾ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ ਨਾ ਸਕਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਏਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਵੇਂ ਮੈਂ ਡੰਗ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਗੋਗੇ ਵੈਸੇ ਤੁਮ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਐਨਾਟਮੀ ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਾਟਮੀ ਐਨਾਟਮੀ ਮੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸਕੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੋ ਅੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲਾਤ ਗੋਗੇ ਦਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਲਾਇਕਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸਰ ਆਮ ਵਨ ਆਫ ਯੋਰ ਬਿਗੇਸਟ ਫੈਨ ਆਮ ਫਰਮ ਯੂਕੇ Thank you. My name is Muazzam Ali. I would like to appreciate your show. It's one of the greatest show of a comedy. My question to you is that, as you can see that, you know, Pakistan been made more or less 77, 78 odd years. And not much or not a great deal of change has come about. So what do you think that the drama industry or the TV people or people like yourself or the big channels can do in order to educate our society moving more towards you know business side of things or educating them mazrat ke sath although we work for a tv but actually I think we cannot uska reason ye hai ki ilm kitab mein hai ilm aur kahin nahi hai agar aap ilm hasil karna chahte hain wo sirf kitab pehle al kitab aur uske baad kitab ha logon ko kis simt mein lekar jana hai ye faisla kabhi tv isliye nahi kar sakta kyunki jo aap log pasand karenge wo chalega jo aap pasand nahi karenge wo nahi chalega तो लोग जो अक्सर ये गिला करते हैं कि हमारी फिल्म्स में क्या आ रहा है या हमारे टीवी में क्या आ रहा है या ड्रामास में क्या दिखाया जा रहा है आप देख रहे हैं एक्चुअली यू आर बाइंग इट आप उसको गल्प कर रहे हैं इसलिए आपको दिखाया जा रहा है किसी भी माशरे में कोई ऐसी दुकान खुल जाए जो ऐसी चीज़ें बेचे जो कोई ख़रीदना ही ना चाहता हो तो वो चीज़ नहीं बिकेगी हम ये ज़रूर कर सकते हैं अपनी दानिस्त में जिस कदर हो सके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम बच्चों को नौजवान नस्ल को उस तरफ ले आएं लेकिन हमें गाइड उन्हें करना पड़ेगा पकड़ के किताब तक Exactly. आप जब तक टीवी में इल्म ढूंढते रहेंगे इंटरनेट पे इल्म ढूंढते रहेंगे गूगल पे ढूंढते रहेंगे इल्म कहीं नहीं मिलेगा इल्म मिलेगा मुअल्लिम के पास और किताब के पास क्या बात है बहुत आला ये हर शो च भाई अपनी किताबा बेच के निकल जाता मैं अच्छा मैं अभी तक ना सलीम साहब को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही मुझे अब आदत हो गई थी इनके बगैर अच्छा इरजा मैंने कल बैग खोलने हैं घर जाते ही आपने मुझे व्हाट्सएप पे बता देना है मेरे लिए क्या क्या लाए हैं मैं अपना मुंह बंद कर क्या 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 ये सिंगल भी नहीं भी क्या लाए हैं क्या 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 मुझे कोई गिला नहीं है मेरे लिए तो अगर वो मैं कहता हूँ एक घड़ी भी ले आया है ना तो मेरे लिए बहुत अरे मैं
मैं इत्थे इंतशार नहीं फैलाना चाहता तुहाडे वास्ते आ भी चुका है तुसी वसूल भी कर चुके हो नाज़रीन ये था आज का शो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़